यूपी के महोबा जिले में हुई भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार चार लोगों की जिंदा जलकर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मासूम सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर पहुंची एसपी ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने एवं अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। खबर की कि सर दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई है और जल गई है, जल रही है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, फिर फायर वाले को फोन किया। जब हम मौके पे आए तुरंत तो चार लोगों की यहाँ मौत हो चुकी थी, दो महिला और एक, उनको अस्पताल भेजा गया तत्काल। सर प्रथम दृष्टया क्या लगा, किन कारणों से? दोनों आमने सामने टक्कर हो गई, बहुत तेज रफ्तार थी जिसके कारण उनके टंकी फटने से आग लग गई। किस तरह की घटना हुई है और किस तरह की आपको जो निर्देश दिए गए राहत बचाव कार्य में कौन कौन टीमों को लगाए? देखिए, आज दोपहर लगभग 4 बजे के करीब थाना श्रीनगर महोबा से जो लिंक रोड जाता है बेलाताल कुलपहाड़ को, उसमें दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें दोनों बाइकों में आग लग गई। इसमें एक बाइक में एक परिवार के एक महिला एक पुरुष, उनके साथ 2 8 वर्षीय बच्चे सवार थे और दूसरे बाइक पे 2 लोग थे। कुल मिलाकर के इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई जिसमें एक बच्चा और 3 पुरुष शामिल हैं। एक बच्चा और एक महिला वो चोटिल हैं, घायल हैं, जिनको तुरंत ही यहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंच गई। तुरंत यहाँ पे पहुंचकर इन लोगों को टाइमली भेजा गया है जिला अस्पताल में, जहाँ पे उनका इलाज कराया जा रहा है। और यहाँ पर मौके पे सारे जितनी भी टीम्स हैं उनको भेजा गया। FSO भी आए, फायर की टीम भी आई और CO, एडिशनल SP और स्वयं मेरे द्वारा भी यहाँ पर आकर स्थिति का जायजा लिया गया है और जो भी इसमें जरूरी चीजें हैं वो की जा रही हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो घायल हैं उनको स्पेशली अच्छा उपचार मिले, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। घटना प्रथम दृष्टया क्या लगा, किन कारणों से घटना घटित हुई है? देखिए, ये बाइकें दोनों पूरी तरह से जल गई हैं तो ये संभव है कि इनके पेट्रोल टैंक में हो सकता है कि आग लगी हो, लेकिन ये अभी जांच का विषय है कि क्या एग्जैक्टली इनमें फॉल्ट आया होगा वो प्रॉपर जांच के बाद पता चलेगा। टोटल कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल? इसके अंदर जो अभी सूचना हमारे पास आई है उसके हिसाब से 4 लोग इसमें मृत हो चुके हैं, 2 लोग इसमें घायल।